ठीक है मम्मी है। अच्छा चलो अच्छा अच्छा चलो 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 भाई चलो ठीक है हाँ। अभी गाइस मम्मी ना इमोशनल हो जाती है बिकॉज ना बहुत दिन बाद फिर होता ना कि याद आती है, कोई बात नहीं दोबारा मम्मी आएगी गाइस 15-20 दिन बाद। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। तो गाइस अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी भाई हम आ चुके हैं हमारे घर के जस्ट बगल में। तो भाई निर्मल आए हॉस्पिटल में आए थे, इसका रीजन था कि मम्मी की ना भाई नजर हो चुकी है, थोड़ा सा कमजोर कम दिखता है मम्मी को, क्योंकि यार टाइम के साथ साथ ना उम्र जब बढ़ती रहती है तो भाई दिखने में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने सोचा मम्मी का एकदम अच्छे से चेकअप करा लूं और साथ ही साथ में जो दिक्कत परेशानी आ रही है आँख में वो टाइम से ना दिखाना जरूरी है, क्योंकि गाइस अगर लापरवाही करते हैं तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ बोल जाती माँ उम्र के बन ज्यादा तब नजर कम, उम्र ज्यादा नजर कम, अच्छा दर्द ज्यादा बस दांत नी हिम्मत कम हो सब तो गाइस बुढ़ापे में ना मम्मी कह रहे कि बहुत दिक्कतें परेशानी बढ़ती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जवानी में खूब मेहनत करो, आप लोग खूब तरक्की करो ताकि बुढ़ापे में आप थोड़ा आराम से खा सको। नहीं माँ जी खाना तो चलो गाइस अब हम निकलते हैं घर, बिकॉज हमने टेस्ट तो करवा दिया है और नॉर्मल से एक चश्मा बनना मम्मी का, बाकी तो मोतियाबिंद कुछ दिक्कत नहीं है, तो अभी निकलते हैं घर के लिए। अभी गाइस हम आ चुके हैं चश्मे की शॉप पे और मम्मी ने चश्मा पसंद कर लिया भाई एक, और ये देखो बहुत सारे फ्रेम लगे हैं और फ्रेम के साथ साथ में लेंस भी होते हैं अलग अलग, तो अभी हम जो है फाइनल कर लेते हैं। तो ये ठीक लगी वो फ्रेम है। चलो गाइस फटाफट से यहाँ पर जो है ऑर्डर देते हैं। और कितने दिन में मिलेगा भैया चश्मा? दो से तीन दिन में, दो दिन में गाइस ये बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखो आप ऐसे हम ब्लॉगिंग करते हैं। तो दोस्तों अभी बच चुके हैं शाम के 4 और अभी भाई नोनू मैं और मोनी जा रहे हैं अपने नए वाले घर पे, बिकॉज अभी ना आपको सोच रहे थे हम कि बहुत दिन बाद ना हम अपना ड्रोन निकाल के लेके आए, तो आज हम ड्रोन शॉट आपको दिखाएंगे कि हमारा घर फाइनली कैसा तैयार हुआ है ना। हाँ, और आप हमारे सारे व्लॉग्स को यार बहुत सारे लाइक दिया करो यार, हमें बहुत अच्छा लगता है ना नवीन। हाँ सच में गाइज आप जब कमेंट करते हैं अपना रिस्पॉन्स देते हैं तो हमें बहुत बढ़िया लगता है और हम कोशिश करते हैं बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाने की। हाँ। और जब ना बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं व्यूअर्स हैं जो हमसे प्यार करते हैं हमारे ब्लॉग्स देखते हैं वो हमें जब मार्केट में कई बार मिलते हैं तो हमें ना बड़ी खुशी मिलती है कि वो हमें बोलते हैं कि भाई आपकी ब्लॉग्स हम देखते हैं तो अच्छा लगता है। दोनों कुछ बोल रही हो, अरे बाप रे। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं सीधा नए वाले घर पे। तो अभी भाई स्कूटी ड्राइव कर रही है मोनी और नोनू और मैं बैठेंगे पीछे, है नोनू। और बात कुछ ऐसी कि मम्मी भाई अभी ना सो रखी है, क्योंकि मम्मी ने बोला कि भाई मैं तो नहीं जा रही अभी फिलहाल, मैं मुझे सोने दो। तो बगैर मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो मम्मी तुम सो आराम से, तब तक हम देख आते हैं भाई अपनी साइड पे। तो लो जी हम आ चुके अपने नए वाले घर पे और गाइज एक बात ना बिल्कुल सही कही है किसी ने कि घर एक बार ही बनता है और बहुत ही मेहनत से बनता है ना मोनी। जिंदगी इसको बनाते हैं, मेरे को याद है कि भाई जब ये पेट में थी तब से लेकर अभी चलने लग गई है तब से घर बन ही रहा है, तो भाई बहुत लंबा टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। नोनू तुम तो तब आए भी नहीं थी जब से घर बन रहा है, पर ये बाद में जब बड़ी जाएगी ब्लॉग में देखा करेगी, अरे हाँ ऐसे ऐसे हुआ था ऐसे सब हमारी यादें हैं भाई, कुछ भी बिल्कुल सही बात है। तो अभी यार दिखाते हैं आपको कि क्या क्या अभी काम चल रहा है हमारे घर पे और आपको ड्रोन शूट भी दिखाएंगे। तो अभी भाई ये देख ही सकते हैं आप कि अभी ये देखो भाई ये लौंडे हमारे भाई साहब मिस्त्री, क्या हाल है भाई? मस्त। और सुहेल भाई क्या हाल चाल है? तो अभी चल रहा भाई ये पूरा नीचे का फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर और ये बन रहा है अभी टीवी का पैनल यहाँ पे, क्योंकि मैंने सोचा कि जब भाई इतना काम करवा रहे हैं तो अच्छे से करवा दो, है ना। और यहाँ बन चुकी है अलमीरा, बहुत अच्छा काम है। थोड़ा ये आवाज़ बंद कर देना गाने वाने ना, कॉपीराइट आएगा ब्लॉग में, गाने बंद कर देना। तो अभी गाइस ये अंदर एक छोटी सी अलमीरा बना रखी है ताकि यहाँ पर भी ना बहुत अच्छा एक स्पेस मिल सके। और ये देखो आप ये देख सकते हैं ये कुछ अलमीरा है और ये है बाथरूम जो कि बाद में तैयार होएगा। और इस साइड भी छोटा सा टीवी का पैनल बना रखा है और ये ग्राउंड फ्लोर मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस साइड जो है
बहुत ही प्यारी सी किचन हमने बनवा रखी है। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं भाई सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, जो कि हमारा छत वाला फ्लोर है। और अभी भाई हम क्या करने वाले हैं, अभी मोनी देख रही है सामने ड्रोन रखा हुआ है, वो देखो आप। और अभी हम ड्रोन उड़ाएंगे और अभी मोनी शूट करेगी ब्लॉग। लो मोनी शूट करो, मुझे करना है। हाँ, एक हाथ से पकड़ लो तुम और एक हाथ से शूट कर लो, ये लो। और अब दिखाता हूँ भाई मैं आपको ये ड्रोन, देखो। ओके तो गाइस अब हमारा ड्रोन शुरू होगा ये। यस, बहुत तेज हवा चल रही है। सच में यार, क्या सही लग रहा ना। अभी देखो ये शूट पूरा हो रहा है और तुम इसका शूट दिखाओगे ना? हाँ, दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, इसी ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो गाइज अभी हम आए हैं शाम के टाइम पे प्याज लेने के लिए, क्योंकि घर में थोड़ी सब्जी खत्म हो गई थी और ये भैया की शॉप से हम हमेशा लेते हैं सब्जियां। यहाँ पे यहाँ पे फ्रेश मिलती हैं और सही रेट में सब्जियां मिलती हैं, तो हम यहीं से ही लेते हैं। और गाइज ये मोनी ना कभी भी सब्जी खुद नहीं खरीदती, हमेशा मैं खरीदता हूँ छांट छांट के, क्योंकि मेरे को छांट के ही लेने की आदत है भाई साहब। पैसा खर्च करना है तो बढ़िया चीज हो, बढ़िया। अगर भाई साहब, हाँ जी, हाँ जी, मुझे छांटने की आदत होती तो कहीं और ही साथ दे जाती, मतलब मैं तुमने कचरा छांटा ये। हाँ, अब आई ना बात सही। तो गाइज अभी हम बस सब्जी लेके फिर हम घर जाते हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, अभी बज चुके हैं भाई सुबह के 7 और अभी मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश, बिकॉज ना आज मम्मी पूरे 1 महीना 1 हफ्ते बाद जा रही गाँव है। मम्मी कल लगन नहीं हो? एक कानो घर अपन बड़े इलाज मेरा। हाँ, ये छोटी दी में उदास हो। मम्मी कह रही गाइस कि ना घर तो अपना बढ़िया लगता है पहाड़ों में, बट इसके बिना उदास लगेगी, बट गाइस हमारे किसी को चिंता ही नहीं है। तुम तो बड़े बड़े गई था। हम बड़े बड़े हो चुके हैं, क्या बोला? तुम बड़े बड़े होई छड़ने जा लग दी खुद लग दी जा तू नू क्या हुआ? ये देखो कैमरा में देख के हंसती है भाई। तो अभी मम्मी का बैग एक ही रेडी हो चुका है और एक ही सामान का बैग है, ये मैंने आगे रख लिया है और ये बीच में रखेंगे। चल रहा मम्मी? चलो 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 नोनू, दादी को बाय करो। नोनू दादी को बाय करो, नोनू दादी को बाय करो। अल स्कूल से बोला है, स्कूल खराब रहता है ना, स्कूल जाना रहता तो अल्लाह स्कूल से बोला। ठीक है मम्मी है, चलो 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 भाई, चलो ठीक है। हाँ, अभी गाइस मम्मी ना इमोशनल हो जाती है, बिकॉज ना बहुत दिन बाद फिर होता ना कि याद आती है, कोई बात नहीं, दोबारा मम्मी आएगी गाइस 15-20 दिन बाद। ना मैं यार कहाँ कितना रोऊँ यार, जिंदगी में बहुत रोया मैं। चलो मम्मी दे दिया दे भाई चुटकी। नोनू दादी जा रही, बाय करो दादी को, बाय करो। चलो ठीक है, चलो ठीक चलो। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं ऋषिकेश के लिए और मम्मी को छोड़ते हैं। तो अभी गाइस हम कुछ ना फ्रूट्स भिजवा रहे हैं घर के लिए, और अभी हमने करवा लिए आम और अभी देखते हैं सेब भी, बहुत ज़्यादा जो है अभी महंगे चल रहे हैं। और महंगे के साथ साथ में गाइस बात कुछ ऐसी है कि अभी नए नए सेब हैं तो स्वाद में ना उतना बढ़िया नहीं खा रहे फिलहाल, तो फिलहाल तो हमने मैंगो ले लिया और अभी निकलते हैं भाई बस स्टैंड के लिए। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं टेरी बस स्टैंड ऋषिकेश में, और अभी ना मम्मी के लिए पहले मैं टिकट ले लेता हूँ सामने टिकट काउंटर से, और ये सारे के सारे जो बसें हैं ना ये जाती भाई हमारे पहाड़ों में गढ़वाल में। तो लो जी गाइस हमने टिकट ले ली है, 220 रुपये की टिकट है भाई ऋषिकेश से मेरे गाँव तक की, और अप्रॉक्स यहाँ से पड़ता है 100 से 110 किलोमीटर। और मम्मी चली गई अंदर बस में, और भाई मैं ये बैग निकाल लेता हूँ और अंदर लेके चलता हूँ। और मम्मी को भैया सीट चाहिए होती है बिल्कुल फ्रंट पे, बिकॉज अभी ना मम्मी को थोड़ा उल्टी की प्रॉब्लम आती है। और ये जो बस है ये जाएगी भाई मुखेम और चंबा लमगांव, और मुखेम गाइस बहुत ही फेमस जगह है, अगर आपने सर्च नहीं किया तो आप सर्च ज़रूर करना, क्योंकि ना अभी होता क्या है कि हमारे ना उत्तराखंड में 5 धाम माना जाता है भाई मुखेम। तो मम्मी बैठ चुकी है फ्रंट पे, तो मम्मी यू बैग रखने की, तो चलो यार इस बैग को मैं ऊपर सेट कर लेता हूँ या आगे सेट कर लेता हूँ, ऐसे नहीं देना होने।
तो अभी गाइस कंडक्टर से हो गई थी भाई बहस, क्योंकि ना कंडक्टर कह रहे थे कि भैया आगे बैठना नहीं है बिकॉज मम्मी को उल्टी होती है और उल्टी ना पीछे उड़ के आती है। तो मैंने बोला कि भैया मम्मी ने दवाई खा रखी फिलहाल, वरना टिकट वापस कर दो, मैं दूसरी बस में बिठा दूंगा मम्मी को। तो फिलहाल तो भैया उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बैठ जाओ, अब तो बैठना ही मजबूरी है। तो चलो यार अब निकलते हैं घर के लिए वापस। तो यार दोस्तों अभी ना मैंने मम्मी को छोड़ दिया भाई बस स्टैंड और मम्मी को बस पे बिठा दिया है। मम्मी निकल चुकी है गांव के लिए और मैं आ चुका हूँ भाई हेयर सैलून पे। और अभी मुझे ना अपने बाल कट करवाने बिकॉज बहुत बड़े हो चुके हैं, और साथ साथ में जो मेरी सेविंग है इसको सेट करवानी है बिकॉज यार 10 से 15 दिन में एक बार तो सेविंग करवानी ज़रूरी होती है, वरना बाल ना पूरे फेस पर आते हैं और बड़ा बेकार लगता है। गाइज अभी हमने कटिंग अपनी करवा ली है और भाई हमारी सेविंग भी हो चुकी है। और आप गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप जब भी सैलून जाते हो, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, आप एक बार में अपने हेयर कटिंग पे कितना पैसा खर्च करते हो। भाई हमारे यहाँ पे तो 50-60 रुपए में बाल कटिंग हो जाती है और भाई सेविंग हो जाती है 30-40 रुपए में, तो 100 रुपए में भाई सारा काम हो जाता है ना। और आप खासकर लड़कियाँ भाई कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि मेरी वाइफ ना जब भी कटिंग करवाने जाती है सैलून, तो भाई वहाँ पर ना 600-700 रुपए तक लग जाते हैं कटिंग करवाने पे। और अगर बाकी और अगर अलग अलग हेयर स्टाइल करवाते हैं लड़कियाँ तो उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करना और ये भी कमेंट ज़रूर करना कि आप हमारे ब्लॉग्स कहाँ कहाँ से देख रहे हो।